अगले मेरे मेहमान हैं जितेंद्र सिंह शंटी जी, जो कि भगत सिंह सेवा दल के प्रमुख हैं और सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी, ऐसा बहुत देखने में आया इस कोविड काल में कि पूरे पूरे परिवार अस्पताल में भर्ती हैं, किसी एक परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है, और क्योंकि वो कोविड का पेशेंट है तो अड़ोसी पड़ोसी जो समाज के लोग हैं वो भी डरते हैं। ऐसे में इस नेक काम का मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे लगा कि अब आपको ये काम करना चाहिए, कैसे मन में ये बात आई? शहीद भगत सिंह सेवा दल 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा था। हमारे पास अपनी 18 एम्बुलेंस है और मेरा जो बेटा है छोटा, वो तो लंदन से कोर्स यही करके आया, रियासत मैनेजमेंट का, ज्योतिष सिंह। मेरा बड़ा बेटा मनीष, वो भी इसमें लगा रहता है। हमारी जो टीम है, मेरे ड्राइवर्स, मेरे वॉरियर्स, वो बहुत डेडिकेशन के साथ, सबसे बड़ी बात है कि डेड बॉडी को उठाना, लोग अपने पिता को उठाने से डरते हैं, शर्माते हैं, लेकिन आज भी मेरे को 40 से 50 कॉल पर डे आ रही है कि घर में लाश पड़ी हुई है तो उठाने वाला नहीं है। मुझे टोरंटो से फ़ोन आ रहे हैं, दुबई से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं कि हमारे भाई साहब की लाश पड़ी है, घर से उठा लो, संस्कार करा दो, 2 दिन हो गए हैं जी। जब वो प्रशासन को फ़ोन करते हैं, प्रशासन कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल को या शंटी को फ़ोन करो। तो जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस था 25 साल का, वो काम आया। और जब हमें यहाँ के प्रशासन ने कहा कि शंटी जी आप अपनी एम्बुलेंस लगा दीजिए, हमने लगा दी जी, पहले एम्बुलेंस, फिर शव वाहन। और जो पिछला कोरोना का काल आया था उसमें 967 डेड बॉडी का मैंने क्रिमेशन कराया, 967, जबकि उसमें हम सब पॉजिटिव भी हो गए थे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ और एक ड्राइवर हमारा शहीद भी हो गया था। लेकिन ये जो काल आया है जी, इसमें तो इस एक महीने के अंदर 1352 डेड बॉडी हमने कैरी की अभी तक, 1352 उनको क्रिमेट कराया है। और उसमें मैं बता दूं आपको कि 153 ऐसी डेड बॉडी हमने क्रिमेट की हैं जो दरवाजे तक आके शमशान घाट के डेड बॉडी छोड़ के चले गए। ये बहुत ही विकट स्थिति इस समय हम सभी लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इतना डर है, इतना भय का माहौल है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और शायद इसीलिए नहीं तो कोई परिवार अपने को छोड़ के ऐसे कभी जाता नहीं है, समाज ऐसा होता नहीं कि कंधे देने के लिए आगे ना आए, सब धर्मों के लोग इस सब कामों में जुटते हैं, लेकिन इस समय एक विकट स्थिति पैदा हो गई। और ऐसे में आप ये बड़ा काम कर रहे हैं, देश भी आपका धन्यवाद देता है और एबीपी न्यूज़ भी आपको सलाम करता है। चौथे मेहमान हमारे साथ दत्तात्रेय सावंत जी हैं, जो मुंबई में स्कूल टीचर हैं और ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस चलाते हैं। मैं जानना चाहूंगी दत्तात्रेय जी कि कितना मुश्किल होता है एक ऑटो को एम्बुलेंस बनाना और उसके बाद मरीजों को उसमें लेकर अस्पताल पहुंचना, और तब जब वो कोविड के मरीज हो, ऐसे में क्या एहतियात आप बरतते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम जी। मेरे पास जो 3 मेहमान आए हैं उनसे कुछ छोटा, मैं छोटा काम करता हूँ, बहुत बड़े मेहमान है कि ये सदगुरु की कृपा से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा पिताजी प्रेरणा स्थान है, मेरे माँ का आशीर्वाद है, मेरे ये उन्होंने जिनको पढ़ाया, मेरे गुरुजी मुलानी सर और मेरे सब साथी, यानी मेरे आशीर्वाद दे रहे, इनके माध्यम से मैं अच्छी तरह से ये काम कर रहा हूँ। कि आज सोचते हैं सब कुछ, मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, बम्बई इलाका में, बम्बई इलाका स्लम एरिया में काम कर रहा हूँ, उसके साथ टीचर का काम करते करते मैं सोचा कि अभी बम्बई की हालत बहुत ख़राब है, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल टीचर हूँ, मिडल मैन हूँ। इसका मतलब यही है कि भगवान ने, यकीन मानिए दत्तात्रेय जी, आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, ये आप बार बार मत कहिए। आपकी हैसियत, आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।